और उन्होंने मुझे रोकने के एडी चोटी का जोर नहीं लगाया क्या? मैं अगर वोट काटने की बात मेरे लिए कह रहे हैं तो उन्होंने क्या किया? लंबे समय तक काशीराम जी पे ऐसे आरोप लगाते, लेकिन वही काशीराम साहब हैं जिनकी वजह से आज हमारे जैसे लोग खड़े हुए हैं। ये जो बेमेल गठबंधन है, हरिजन शब्द कह के किस तरह से पूरे समाज को अपमानित करने का काम किया, आपने देखा? मैं डरने वाला थोड़ा ही हूँ, मैं तो पहले चर्चल गोली खा के बैठा हूँ, मौत तो एक दिन आएगी, इसलिए अपने लोगों के अधिकारों को लड़े थोड़ा लड़ना बंद कर दूंगा। अगर एक चंद्रशेखर जाएगा तो लाइन लगा के चंद्रशेखर तैयार है। दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, उनके साथ आपने गठबंधन कर लिया है, जिसके खिलाफ लहर चल रही है हरियाणा में, तो दुष्यंत तो उसका हिस्सा थे सरकार का, असली नुकसान तो भाजपा ने किया, तो भाजपा के लोग चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? इस बात की क्या गारंटी है कि दुष्यंत चौटाला दूसरी बार फिर भाजपा में शामिल नहीं होगा? उनका हाथ किसने पकड़ रखा है इस बार? चंद्रशेखर आजाद। आपको नहीं पता है? भाजपा कांग्रेस का यह कहना है कि चंद्रशेखर आजाद यूपी से वोट काटने के लिए हरियाणा में आए हैं। तो कांग्रेस वाले कौन से हरियाणा की पार्टी के लोग हैं, या जो भाजपा के लोग हैं वो यहाँ के कौन से यहाँ की पार्टी के लोग हैं? उनकी तो पार्टी दिल्ली में, चलो मैं तो यूपी से आया हूँ, लेकिन वो तो दिल्ली वाले लोग हैं, उनको क्या पता? उनको कुछ लोग हैं तो ये भी नहीं पता कि गन्ना वो दिल्ली में चर्चा करते हैं कि गन्ने पे चीनी कहाँ लगती है, आलू पेड़ के कौन से हिस्से में लगते हैं, फूल पे लगते हैं या कहीं फल के तौर पे आते हैं, गाजर कौन से हिस्से में उगती है, उनको तो ये भी नहीं पता दिल्ली वालों को। हम तो किसान के बेटे हैं, मेहनत कर समाज से आते हैं, संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं, और उन्होंने मुझे रोकने के एडी चोटी का जोर नहीं लगाया क्या? मैं अगर वोट काटने की बात मेरे लिए कह रहे हैं तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरे जोर लगाया कि मैं हार जाऊं, लेकिन हारा तो नहीं ना, जनता, ये लोकतंत्र जनता के हाथ में है। ये अमीर लोग, राष्ट्रीय दल जनता को गुलाम ना समझे कि जनता की गुलाम इनके हिसाब चलेगी, ये तो जो उनका काम करेगा उसके साथ चलेंगे। लंबे समय तक काशीराम जी पे ऐसे आरोप लगाते, लेकिन वही काशीराम साहब हैं जिनकी वजह से आज हमारे जैसे लोग खड़े हुए हैं। अगर काशीराम साहब इनकी बात सुनकर डर जाते या पीछे हट जाते तो समाज आज पैरों पर खड़ा होता, आज हम जैसे लोग तैयार होते और इंडिया अलायंस दोनों को धूल चटाई, और जो तीसरी पार्टी यहाँ अलायंस में लड़ रही उनको भी। और आपने नहीं देखा INLD के मंच पे किस तरह से जो है उनके नेताओं ने ये जो बेमेल गठबंधन है, हरिजन शब्द कह के किस तरह से पूरे समाज को अपमानित करने का काम किया, आपने नहीं देखा? तो अभी भी अगर आज के 75 साल बाद भी हम यही खड़े हैं तो हम जिसका जवाब देना पड़ेगा। बहन जी ने फटकार लगाई है उसके बाद, आप फिर ना लगा दी तो फिर समाज पूछता, लेकिन क्या उनको पहले से नहीं बता सके कि वही शब्द का प्रयोग नहीं करना है, या उन जो पार्टियां जो है इतने लंबे समय से उनके अलायंस में, पहले भी अलायंस का प्रयास किया, उनको नहीं पता कि इस समाज को इस वर्ड से तकलीफ होती है, अपमानित महसूस करता है समाज अपने आप को, और ये नहीं स्वीकार करता इस वर्ड को। जी सर, ये बताइए, जब जैसा आपकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, आप हमला भी करा है अभी, मतलब ये कह रहे हैं? ठीक है, मैं डरने वाला थोड़ा ही हूँ, मैं तो पहले चर्चल गोली खा के बैठा हूँ, मौत तो एक दिन आएगी, इसलिए अपने लोगों के अधिकारों को लड़े थोड़ा लड़ना बंद कर दूंगा, लड़ता रहूंगा। मेरे पास सोहेल लड़ेगा, मनदीप लड़ेगा, नए लोग तैयार हो रहे हैं, कमल वालिया जी, तमाम लोग हैं। अगर मेरे जैसा एक आदमी चला भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? मेरी बात को आप याद रखना, आंदोलन तो चलता रहेगा। विनय धन सिंह हैं, रविंद्र भाटी हैं, हम पे तो लीडर कमी थोड़ा है, अमित कसाना है, हम पे लीडर कमी थोड़ा है, सोमनाथ प्रजापति है। अगर एक चंद्रशेखर जाएगा तो लाइन लगा के चंद्रशेखर तैयार है। यह कहा जा रहा है कि जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है उनके साथ आपने गठबंधन कर लिया है, जिसके खिलाफ लहर चल रही है हरियाणा में, तो दुष्यंत तो उसका हिस्सा थे सरकार का, असली नुकसान तो भाजपा ने किया, तो भाजपा के लोग चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि वो सरकार बनने का वादा कर रहे हैं। यहाँ कानून नहीं बने थे, जो 3 कृषि कानून वो दिल्ली में बने थे, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने वोट दिया था उस समय, और वो आज कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं फिर आपसे कहता हूँ, हमें रोकने के लिए 100 साजिश से होंगी। जब 6 महीने दुष्यंत चौटाला सरकार में नहीं थे, अब तो क्या सरकार गिर गई थी क्या? सरकार तो फिर भी चली है, भाजपा जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, जितने निर्दलीय लोग हैं आप देख लेना, इस बार भी अगर वो जीत जाएंगे सब भागेंगे भाजपा की तरफ को। इस बात की क्या गारंटी है कि दुष्यंत चौटाला दूसरी बार फिर भाजपा में शामिल नहीं होगा? उनका हाथ किसने पकड़ रखा है इस बार? चंद्रशेखर आजाद। आपको नहीं पता है? और वो निजी स्वार्थ नहीं देख रहे हैं, वो स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, वो हरियाणा को विकल्प देने के लिए काम कर रहे हैं। और अब चंद्रशेखर आजाद वो इकट्ठे हमें तय हुआ है कि वो भाजपा की तरफ दोबारा पलट के नहीं देखेंगे, इस बात के साथ हम लोग आगे बढ़े। और फिर मैं आपसे कहा, मेरे पास ऑफर नहीं थे क्या? तो नहीं, हमारे लिए मंत्री पद ये सब बाद में, अपने लोगों की भावना और उनका आंदोलन पहले है। और आप देखिए ना, कल उन्होंने क्या क्या मंच पर खड़े होकर कि अगर जहां दलित समाज का पसीना पड़ेगा वो खून देने काम करेंगे, और किस नेता में है इतनी हिम्मत बोलने की? और ये कैसे हुआ, ऐसे संभव हुआ जब एक अलायंस बना सेम एज के ग्रुप के लोगों का, जो चर्चा करते हैं कि हरियाणा में क्या होना चाहिए? और आप मैनिफेस्टो पढ़ना, मैं आपको कहूँगा दोनों चैनल्स को कि एक बार बैठ के हमारे मैनिफेस्टो को उस पर एक वीडियो बना के आप देखना, आपको महसूस होगा कि उसमें आपकी भी बात कहीं ना कहीं की गई होगी।